दोस्तों बिहार के नियोजित शिक्षकों की प्रमुख मांगों में प्रोन्नति के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण एवं सेवा निरंतरता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था और इसके अंतर्गत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में तो भाग ले रहे हैं परंतु उनके मन में ये भ्रम सी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद शिक्षकों का पदस्थापन होगा लेकिन आखिर उनका विद्यालय कहाँ आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ उनके मन में इस बात के लिए भी भ्रम था कि वर्षों की हमने सेवा दे रखी है और विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद हमारी सेवा शून्य हो जाएगी। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर बिहार के शिक्षकों की ओर से बार बार आवाजें उठाई जा रही थी लेकिन इस आवाज को एक मांग पत्र के रूप में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार को बीते कल ही अवगत कराया गया है। दोस्तों इस मांग से शिक्षा मंत्री बिल्कुल ही गंभीर दिख रहे हैं और संभावना के साथ इस बात की आसार बढ़ गई है कि शिक्षकों के प्रोन्नति और साथ साथ सेवा निरंतरता के लिए शिक्षा विभाग को गंभीर होना पड़ेगा और निश्चित ही शिक्षकों को सबसे पहले प्रोन्नति और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। दोस्तों इसके अंतर्गत जो मांग पत्र सौंपा गया है माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से उसमें अहम तीन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है और बड़े ही अच्छे ढंग से इस बिंदुओं को समाहित किया गया है जिसमें प्रमुख बिंदु के रूप में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रोन्नति संबंधी किए गए प्रावधान के आलोक में अभी तक नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए अविलंब शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। आइए दोस्तों आखिर क्या है हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मामले में तीन प्रकार की प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत स्नातक कोटि के शिक्षकों के 100% पद को प्रधान अध्यापक में प्रोन्नति दिया जाना था। दूसरा बिंदु है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत तमाम शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दी जाएगी और तीसरी प्रोन्नति थी कि तमाम शिक्षक जो स्नातक की डिग्री धारित है उन शिक्षकों को 8 वर्षों की सेवा के बाद स्नातक कोटि के शिक्षक में प्रोन्नति दी जाएगी। दोस्तों इसके क्रम में हम आप सभी को बता दें कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक हेतु प्रोन्नति के लिए एक अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिया जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक बनने के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से शिक्षकों को गुजरना होगा, उसके बाद ही प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान कर सकते हैं। दोस्तों यह पत्र इसलिए जारी किया गया कि नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया था कि प्रोन्नति के संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों दो और प्रोन्नति है जिस पर कोई भी अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और वो है 12 वर्षों की सेवा के बाद प्रोन्नति संबंधी प्रावधान और दूसरा है कि 8 वर्षों की सेवा के बाद स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक कोटि के शिक्षक में प्रोन्नति दिया जाना। तो निश्चित रूप से अगर एक बिंदु पर अलग से दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रोन्नति संबंधी बिंदु को बाधित किया गया है तो दो और अन्य भी बिंदु है जिस पर कोई भी अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और वो है 12 वर्षों की सेवा के बाद प्रोन्नति और 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति। दोस्तों इसके संबंध में हमने पीछे भी वीडियो बनाया था कि सहरसा जिले के अंतर्गत महसी प्रखंड द्वारा प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है और ये तमाम जिलों से भी जारी होना चाहिए। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से हमने SES डॉक्टर सिद्धार्थ से प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी करने का आग्रह किया था और उधर माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भी इन बिंदुओं पर मांग कर दी गई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति संबंधी एक आदेश निर्गत किया जाएगा और उस आदेश के आलोक में बिहार के तमाम जिलों के नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में नियोजन इकाई फैसला करेगी और उन्हें प्रोन्नति का लाभ देगी और ये आसार दिखते नजर आ रहा है कि प्रोन्नति के बाद ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बहुत अधिक आर्थिक लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। वहीं दोस्तों सेवा निरंतरता के बिंदु पर भी माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से मांग किया गया है और इन बिंदु पर भी शिक्षा मंत्री को विचार करना होगा और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जहां एक तरफ बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया में विलंब की जा रही है या इस आसार को प्रकट करता है कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ हर हाल में मिलने की आशा है। साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण के बिंदु पर भी सरकार और शिक्षा विभाग बिल्कुल ही गंभीर है और हर हाल में इन दोनों बिंदुओं पर भी शिक्षकों को राहत मिलने की पूरी संभावना बन गई है और ऐसा होते ही नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी हो जाएगी क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नहीं किया था बल्कि उनके द्वारा की गई सेवा की कोई गणना नहीं की जा रही थी, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा था, साथ ही साथ उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था लेकिन
आसार पूरे होते ही निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार समाप्त हो जाएगा और वे सभी भी विशिष्ट शिक्षक बनने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग को भी कोई अन्य रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम शिक्षकों को अगर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित कराना है तो हर हाल में शिक्षा विभाग को सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा और साथ ही साथ ऐच्छिक पदस्थापन एवं ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देना होगा।